वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सिक। आज हम आइसक्रीम बनाए हैं। यह हमारा मैंगो आइसक्रीम है जो खाने में बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी होता है। इसको बनाने के लिए ना हम मार्केट का कोई व्हिप क्रीम डाले हैं ना कस्टर्ड पाउडर। यह घर के चीज़ों से ही बहुत ही जल्दी और इजी तरीके से आइसक्रीम बन जाता है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हम एक मिक्सी जार लिए हैं और उसमें हम एक कप मलाई डालेंगे। यह दूध का मलाई है। फ्रेश मलाई को हम डालेंगे। मलाई लेते समय उसके नीचे जो गाढ़ा दूध आता है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और इनको हम एक मिनट के लिए व्हिप करेंगे। फ्रिज से आप जब भी मलाई निकालें तो ठंडा ही ठंडा उसको व्हिप करें। इस तरीके से यह हमारा एक व्हिप क्रीम बनके तैयार हो जाता है। अगर हम फ्रिज से निकाल कर बाहर रख देते हैं और वह रूम टेम्परेचर पर आ जाता है तो यह इस तरीके से व्हिप क्रीम नहीं बनता है। और इसमें डालने के लिए एक आम लेंगे। आम के पल्प को हम निकाल लिए हैं और पल्प को भी हम व्हिप किए हुए क्रीम में डाल देंगे। और इसमें मीठा के लिए चीनी डालेंगे। यह हमारे पास शुगर पाउडर है। चीनी को हम पीस कर शुगर पाउडर बना लिए हैं और 4 चम्मच हम मीठा के लिए शुगर पाउडर डालेंगे। आइसक्रीम मीठा होता है उस हिसाब से हम इसमें 4 चम्मच चीनी डाल देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी को ग्राइंड करने में कुछ ज़्यादा समय लगता है। इनको फिर से 1 मिनट हम व्हिप करेंगे जिससे यह एकदम स्मूथ पेस्ट की तरह बन जाए। आम के पल्प हमारे अच्छे से मिक्स होकर एकदम स्मूथ बन गए हैं। यह एक गाढ़ा घोल के तरह हो गया है। चलिए हम आइसक्रीम को जमाते हैं। आइसक्रीम जमाने के लिए यह हम कागज़ के कप को लिए हैं। हमें आइसक्रीम की फिलिंग देना है इसलिए हम कागज़ के कप लिए हैं। आप जिस बर्तन में जमाना चाहे उसको लें। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड है तो उसमें आप इसको जमाएं। सभी कप में बनाए हुए घोल को हम डाल देंगे। इस तरीके से घर में मलाई चीनी और आम से यह हमारा टेस्टी और इजी आइसक्रीम बनके तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। एक ही मिक्सी जार में हमारे आइसक्रीम की सारी तैयारी हो जाता है और दूसरा कोई बर्तन भी नहीं करना पड़ता है। सभी कप में हम आइसक्रीम के घोल को डाल दिए हैं और डालने के बाद इनको हम हल्का हल्का टैप कर देंगे जिससे इसमें अगर बबल है तो वह निकल जाए। तब इनको हम फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में इनको हम ओपन नहीं रखेंगे, इसके ऊपर लीड लगा कर रखेंगे। अगर आपके पास लीड है तो लगाएं, अगर लीड नहीं है तो इसको आप सिल्वर पेपर से कवर करके रखें। सिल्वर पेपर को हम चकोर छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं, इसी से इनको हम कवर करेंगे। कभी भी आप आइसक्रीम जमाए तो फ्रीजर में बिना लीड लगाए न रखें, नहीं तो आइसक्रीम हमारा आइसी हो जाता है और हार्ड होता है। कभी कभी फ्रीजर से पानी भी ड्रॉप होता है जो हमारे आइसक्रीम में पड़ जाते हैं, इसीलिए हमेशा आइसक्रीम को रखने से पहले कवर करके ही रखें। सिल्वर पेपर से यह इजीली चारों तरफ से अच्छे से कवर हो जाते हैं। चारों कप को हम ढक दिए हैं। चलिए इनको हम फ्रीजर में रखते हैं। फ्रीजर में हम इनको 6 से 7 घंटा के लिए रख देंगे। चाहे आप ओवरनाइट रख दें जिससे आइसक्रीम अच्छे तरीके से सेट होकर जम जाए। हमारा 6 से 7 घंटा हो गया है। आइए आइसक्रीम को चेक करते हैं। सभी कप के लीड को हम हटाएंगे और अपने आइसक्रीम को चेक करेंगे। आजकल आम का सीजन है और आइसक्रीम हर घर में जमता है। इस तरीके से मैंगो के फ्लेवर के साथ आप ओरिजिनल टेस्टी मैंगो आइसक्रीम जमाइए और खाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टेस्टी और इजी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और इजी तरीके से सिर्फ 2 से 3 चीज़ों में बनने वाला मैंगो आइसक्रीम जमाएं और बताएं कैसा लगा।